नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियां सौरभ। पप्पू यादव पटना की सड़कों पर उतर गए हैं चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने के लिए। आप देख सकते हैं पटना में वह वीओ और ओप्पो के शोरूम के बाहर खड़े हैं और चाइनीज सामानों का विरोध करने के लिए वो पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से चाइना और भारत के बीच में तनाव बना है उसके बाद ये बात लगातार सामने आने लगी है कि अब चाइनीज सामानों का पुरजोर बहिष्कार किया जाए, जिसमें अब पप्पू यादव शामिल हो चुके हैं। पप्पू यादव पहुंच चुके हैं, हाथ में तख्ती लिए हुए, चाइनीज सामान का पुरजोर विरोध जन अधिकार पार्टी के द्वारा। और उसके बाद पप्पू यादव खुद मैदान में सड़क पर उतरे हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पप्पू यादव जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने के लेकर यहाँ पर वो अपने समर्थकों के साथ आए हैं। वीओ ओप्पो तमाम जो मोबाइल शोरूम हैं उसके बाहर खड़े हैं और तख्ती दिखाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि चाइनीज सामान जो है उसका विरोध करेंगे। गुलाब का फूल भी दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्यार से समझाने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं चाइना मुर्दाबाद चाइनीज सामानों का बहिष्कार, इसका ये तख्ती ले चुके हैं तमाम जाप के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक मौजूद हैं। सब ने आवाज़ उठाया है कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जाए। गुलाब का फूल भी वो दिखा रहे हैं। तो पप्पू यादव ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि बिहार में या देश भर में चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। चाइनीज सामान नहीं खरीदे, चाहे वो मोबाइल हो या लाइट हो। चांदनी चौक पर भी वो जाने वाले थे, चांदनी मार्केट में जाने वाले थे, वहाँ पर भी चाइनीज लाइट्स का विरोध करने वाले थे। उसके बाद अभी ये डाकबंगला चौराहे पर हैं। जिस तरीके से उन्होंने गुलाब का फूल दिखाया है तो उन्होंने कहा है कि प्यार से ही लोगों को समझाया जाएगा, इसको लेकर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। लेकिन लोगों से एक अपील कर रहे हैं पप्पू यादव कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जाए। आपको बता दें कि फिलहाल जो चाइना में और भारत के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया है, झड़प हुई है, हिंसक झड़प जिससे भारत के कई जवान शहीद हुए हैं। तो ऐसे में हालात बन गए हैं ऐसे कि अब चाइना का पुरजोर विरोध किया जाए। ऐसे में पप्पू यादव मैदान में उतरे हैं, सड़क पर उतर कर उन्होंने सीधे तौर पर चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर दिया है। देख सकते हैं जिस तरीके से लोग जो हैं इकट्ठा हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोग अब चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि अब तो इसने सियासी रंग भी ले लिया है। पप्पू यादव सड़क पर उतर चुके हैं, चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। देख सकते हैं बैनर तक थी लेकर उनके समर्थक भी उनके साथ खड़े हैं और चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। तो पप्पू यादव लगातार चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। जिस तरीके से हालात हैं देश के हालातों को लेकर तमाम राजनीतिक दल भी अब इस पर चर्चाएं तेज कर दी है कि अब चाइनीज सामानों का पुरजोर विरोध होना ही चाहिए। चाइनीज सामान न खरीदे और न ही बेचे, इसको लेकर हमने भी कई जगहों पर बातचीत की है दुकानदारों से। उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि चाइनीज सामान नहीं बेचेंगे। बहरहाल पप्पू यादव लगातार मैदान में डटे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि अब यह रंग जो है और कितना सियासी होता है। बन